अब नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी का माप। जी बताइए। अच्छा, यानी नेचुर, स्वाभाविक मतलब है कि ये उसका स्वभाव में है, ठीक है, नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पहले इसके वर्ड को ही समझ लेते हैं, ठीक है, यानी ये स्वाभाविक है, ठीक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी देश में, जैसे मान लो अमेरिका है, ठीक है, कंप्लीट डेवलप्ड है वो, ठीक है, फिर भी इनइक्वालिटी वहाँ है या नहीं है? जब आप डाटा देख रहे थे तो आपने देखा कि भारत से ज़्यादा असमानता है वहाँ, लेकिन अंतर क्या है कि वो असमानता ज़्यादा परेशान किसको करेगा? भारत को, ना कि अमेरिका को, ठीक है। वहाँ जो असमानता भी है, तो वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के भी जो लोग हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे के भी जो लोग वहाँ होंगे, उनकी गरीबी की अलग डिफिनेशन होगी, हमारे यहाँ गरीबी की अलग डिफिनेशन है, ठीक है, हम रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे भी बेरोजगारी होगी, ठीक है। अब रिलेटिव है ना, यानी सापेक्ष, जब हम लोग ये पॉवर्टी देखेंगे तो रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, ठीक है, यानी सापेक्षिक गरीबी वो रहेगा ही, ठीक है, यानी बुनियादी जरूरत आपको भी है पूरा और इनको भी पूरा है, लेकिन बहुत कुछ है कि कोई मर्सिडीज पे घूम रहा है, कोई है कि अभी साइकिल का पंचर बनाने के लिए जूझ रहा है, ठीक है, यानी रिलेटिव पॉवर्टी तो है ना, वो रहेगा। कहने का सेंस है कि रिलेटिव पॉवर्टी को आप समाप्त नहीं कर सकते, थोड़ा टफ है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो खत्म हो ही जाएगा, सामान्य चीजें जो है, हाँ, वो चीज मिल जाएंगी लोगों को, मिल रहे, इसमें नहीं, सब क्यों नहीं आएगा, सब क्यों आएगा, ठीक है, यानी नेचुरल, इसको आप ऐसे समझो ना कि ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्वाभाविक बेरोजगारी। इंडिया कितना भी डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, कि इंडिया का फिर भी बहुत सारा पार्ट होगा कि वो इंटीरियर होगा, पिछड़ा होगा, बहुत सारा क्षेत्र होगा कि वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। पिछड़ा के सेंस में आप ये मत समझो कि जहाँ हम लोग आज हैं वो पिछले 10 साल के बाद भी वहीं रहेंगे, बुनियादी जरूरतें ठीक ठाक तरीके से पूर्ति हो जाएंगी। आज हम लोग मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, पता चले 10 साल के बाद नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ BMW से BPSC का तैयारी करने कोचिंग आया करेंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी तब भी विद्यमान रहेगा, तब भी रहेगा, सापेक्षिक गरीबी, वो गरीबी नहीं समाप्त होगा, समझे नहीं समझे? रिलेटिव आप समझ रहे हैं? तो स्वाभाविक बेरोजगारी रहेगा, वो किसी भी इकोनॉमी से वो खत्म नहीं होगा, यानी हमने लिखा है ना लास्ट में कि शून्य बेरोजगारी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति नहीं होगी, यही, यानी वो उसके नेचर में है, नेचुरल प्रोसेस है वो। हाँ, लिटल होगा, बहुत नाम मात्र का होगा, नहीं, यहाँ नेचुरल का अर्थ प्रकृति नहीं है, प्राकृतिक नहीं है कि प्रकृति ने बना के भेजा है, नहीं, नेचुरल मतलब स्वाभाविक। जी सॉरी, नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, यानी वो स्वाभाविक बेरोजगारी रहेगा, वो विद्यमान रहेगा। अब इतना कौन काउंट करने जाएगा? अभी हम लोग देखेंगे ना यहाँ, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश लिख लीजिएगा, हिंदी बताएंगे, ठीक है। बेरोजगारी का मापन एक होता है यूजुअल स्टेटस, हिंदी बोलते हैं इसको सामान्य स्थिति, ठीक है। इसमें सबसे पहले यह देखा जाता है यूजुअल स्टेटस में, ठीक है, कि कौन व्यक्ति हमारे यहाँ श्रम बल का, यानी लेबर फोर्स का पार्ट है या नहीं, श्रम बल का हिस्सा है या नहीं। श्रम बल का वो हिस्सा होगा, उसी के आधार पे ना हम अनएम्प्लॉयमेंट का मापन करेंगे, माप करेंगे। अच्छे से समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो फिर ये लाइफ टाइम साथ चलेगा, ठीक है।
इसमें ये है सबसे यूजुअल स्टेटस का सबसे आसान फंडा है, जैसे मान लो एनएसओ, ठीक है, एनएसओ बोले तो नेशनल एनएसओ, और लेबर ब्यूरो, ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और लेबर ब्यूरो के लोग यदि मान लीजिए आपके यहाँ जाते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि भैया पिछले वर्ष यानी जो सर्वेक्षण ईयर था, ठीक है, सर्वेक्षण वर्ष था, पिछले साल आप एक साल में कितने दिन काम करने के लिए उपलब्ध थे, ठीक है, ये यूजुअल स्टेटस जो होता है ये सर्वे होता है ईयरली, यानी सर्वेक्षण ये होता है ईयरली यानी वार्षिक तौर पे। जिनको इंग्लिश ना आए समझ में, आप लोग बोलना, हिंदी लिखेंगे, ठीक है। ये सर्वेक्षण होता है वार्षिक तौर पे, तो आपसे एनएसओ और लेबर ब्यूरो के स्टाफ पूछते हैं कि भैया पिछले साल सर्वेक्षण अवधि में आप एक साल में कितने दिन काम करने के लिए उपलब्ध थे। यदि आप बता देते हो कि सर हम 6 महीना तक काम करने के लिए उपलब्ध थे या 6 महीना से ज़्यादा काम करने के लिए उपलब्ध थे, तो आपको यहाँ पे यूजुअल स्टेटस में श्रम बल का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। यदि आपने कह दिया कि नहीं सर हम 6 महीने से कम के लिए उपलब्ध थे, यानी 5 महीने तक हम काम करने के लिए उपलब्ध थे, उसके बाद फिर हमको कहीं और जाना था, तो आपको श्रम बल का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे सीधा तात्पर्य है कि एक साल में अधिकांश समय यानी मैक्सिमम समय, तो एक साल में अधिकांश क्या हुआ, 6 महीना से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 182 डेज, 182 दिन से ज्यादा। ये सब लिखते जाइएगा, काम देगा, वैसे हम लिखा देंगे, ठीक है। तो यदि आप बता रहे हो एनएसओ और लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो को कि भैया हम, हाँ, यानी 6 महीने से ज्यादा दिन के लिए उपलब्ध थे, अधिकांश समय में काम करने के लिए उपलब्ध थे घर पे, तो आपको श्रम बल का यहाँ पे हिस्सा माना जाएगा। इसके दो पार्ट होते हैं यूजुअल स्टेटस का, ठीक है। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो यहां पे यही डिफिनेशन है कि एक साल में यानी अधिकांश समय आप काम करने के लिए उपलब्ध हैं, यानी इसको बोलते हैं सामान्य प्रधान स्थिति। ये सब जब आप क्या कहते हैं पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा आप देखोगे पीआईबी पे, तो आप इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यानी एक साल में आप आधे से ज्यादा समय के लिए, अधिकांश समय के लिए उपलब्ध हैं, तो आपको काउंट कर लिया जाएगा कि आप श्रम बल के वार्षिक तौर पर हिस्सा है, यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यानी सामान्य प्रधान स्थिति में आप हैं। अदरवाइज यदि आप 5 महीने के लिए भी उपलब्ध हैं, तो आपको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यदि मान लो किसी आदमी को यहाँ काम ना मिला हो, ठीक है, वो 5 महीने तक काम किया, लेकिन कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा बेरोजगार आदमी है, श्रम बल से बाहर का आदमी है, जो एक साल में कभी उसे काम ना मिला, लेकिन अंतिम समय में वो 30 दिन काम कर लिया हो, ठीक है, तो वो फिर यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है, तो वो सब्सिडरी स्टेटस का पार्ट मान लिया जाएगा, उसे काउंट कर लिया जाएगा कि ये रोजगार मिला हुआ है इसे, यानी सब्सिडरी तौर पर यानी सहायक तौर पर, समझ रहे हैं, नहीं समझे, यानी एक साल में यदि किसी ने पूरी साल काम ना किया हो, काम नहीं मिला लास्ट में या शुरू में ही, कभी वो एक साल में कभी भी वो 30 दिन के लिए काम मिल गया उसे, तो उसे यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस के तौर पर
काउंट कर लिया जाएगा कि ये रोजगार का हिस्सा है, रोजगार का पार्ट है, जब कभी फरवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है, सर्वेक्षण वर्ष में, वो जो सर्वे ईयर है, जैसे अभी पीएलएफ का सर्वे ईयर चला था ना, जो मैंने बताया था आपको 2022-23 का, ये सब आन क्या कहते हैं छोटे मोटे डाटा पे तैयार किया जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये जो डाटा अभी आपके पास उपलब्ध है मार्केट में या जो भी अपने का, ये सब छोटे छोटे डाटा पे कलेक्ट करता है। एक जो बड़े पैमाने पे डाटा कलेक्ट किया गया था वो किया था एनएसएसओ ने 2011-12 में, ठीक है, प्रत्येक 5 साल पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी 16-17 में हो जाना चाहिए था, वो अभी तक सर्वे हुआ नहीं है। अब जैसे मान लो कोई सर्वे हुआ जिस सर्वे में करोड़ों लोगों को शामिल किया गया, तब डाटा कलेक्ट किया गया, ठीक है, और कोई सर्वे है जो ऐसे ही छोटे क्षेत्रों में डाटा कलेक्ट कर लिया गया, तो सबसे प्रभावी डाटा और ऑथेंटिक डाटा कौन सा होगा, जो व्यापक क्षेत्रों में लोगों को कवर किया है, यानी व्यापक क्षेत्र में लोगों से यानी परिचित हुआ है। तो 2011-12 में जो एनएसओ ने सर्वे किया था ऑल ओवर इंडिया में, वो व्यापक तौर पर ये अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाया था, ठीक है। अभी भी आप जो देखोगे कभी कभी तो आपको इकोनॉमिक सर्वे सब में मिल जाएगा, इंडिया सर्वे 2011-12 का ही डाटा, रिसेंट में पीएलएफएस का भी दे देता है, लेकिन ऑथेंटिक डाटा माना जाएगा 11-12 का। यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, इसे बोलते हैं हिंदी में सामान्य प्रधान एवं सहायक स्थिति, ठीक है, यानी एक साल में यदि 30 दिन भी यहाँ पे काम कर लिया है तो इसे सब्सिडरी स्टेटस के रूप में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, 6 महीना से ऊपर यदि यहाँ पे काउंट रोजगार किया है कोई, ठीक है, एक साल में यानी मैक्सिमम अधिकांश समय वो जॉब में रहा है तो उसे प्रिंसिपल स्टेटस में काउंट किया जाएगा। लिख लीजिए यूजुअल स्टेटस में, लिख लीजिए सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, क्या नहीं आ रहा समझ में, कुछ नहीं आ रहा, अरे तो अभी तो यही शुरू किया, यानी यूजुअल स्टेटस के दो पार्ट हैं, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, ठीक है, जी, यानी यूजुअल स्टेटस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी बताइए, कोई कुछ बोल रहे थे कोई, जी उसको नहीं माना जाएगा, नहीं, तो उसे आपसे पूछा जाएगा कि उस सर्वेक्षण अवधि में आप वहां पे काम करने के लिए उपलब्ध थे, तो वो कह देगा कि भैया 5 महीना बिहार में किए, 1 महीना चले गए मुंबई में काम करने, हाँ, तो नहीं उसे काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीना तक कंटिन्यू, यानी आप 6 महीना तक काम करने के लिए उपलब्ध थे, यानी मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीना से ज्यादा, ठीक है। तो फिर वहां पे अब देखो ये सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो उसे काउंट नहीं बेसिकली किया जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आप माइग्रेंट वर्कर में आ गए, फिर आपको वहां पे काउंट किया जाएगा या नहीं बेसिकली, हाँ किसमें, हाँ इसमें आएगा, और भी नीचे है डाटा,
यानी काउंट सभी लोग आ जाएंगे, तब तो डाटा इतना कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए, यानी एक साल में यदि कोई भी आदमी अधिकांश समय मतलब 6 महीना से ज्यादा काम किया है रोजगार, तो उसे रोजगार मान लिया जाएगा यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंतर्गत, सामान्य भाषा में समझिए, सामान्य प्रधान स्थिति। यदि कोई आदमी यहाँ पे काम न किया हो, ठीक है, 6 महीना तक काम नहीं किया, एक साल में 30 दिन का उसे रोजगार मिल गया, तो उसे सब्सिडरी स्टेटस में रख लिया जाएगा, यानी सहायक स्थिति में, और उसे मान लिया जाएगा कि ये आदमी रोजगार युक्त है, यानी रोजगार है इसे, इतना समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये सब्सिडरी स्टेटस में आएगा, यानी सहायक स्थिति में बिल्कुल रख सकते हैं। यहां तो हम कह रहे हैं कि कम से कम भी यदि 30 दिन किया हो, अब 35 दिन किया हो तो थोड़ी इसको काउंट में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। हाँ बिल्कुल, 30 दिन यदि वो काम किया हुआ है तो उसे सब्सिडरी स्टेटस में रखेंगे। जी दिखवा दें, हाँ लिखिए, इसके अंतर्गत, हाँ ये, हाँ यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यानी सामान्य प्रधान स्थिति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में यानी लेबर फोर्स में, श्रम बल में, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में शामिल किया जाता है, लेबर फोर्स का हिस्सा उसे माना जाएगा तब, ठीक, जब एक साल में वो अधिकतर समय काम किया हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में शामिल किया जाता है जो सर्वेक्षण वर्ष, जो सर्वेक्षण वर्ष यानी जैसे सर्वेक्षण वो सर्वे ईयर चल रहा था ना, जैसे मान लो पीएलएफएस का, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स का, अभी आप देखोगे तो 2022 जून से शायद, और जुलाई 2023 का इनका डाटा है, आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट के साइट पे है। तो ये सर्वेक्षण वर्ष हो गया इनका, ठीक है, जून 2022 से जुलाई 2023 तक इन्होंने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो ये करा, नहीं, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि सर्वेक्षण वर्ष जो हुआ ना, तो सर्वेक्षण वर्ष से तात्पर्य ये है, जो सर्वेक्षण वर्ष की अधिकांश समयावधि, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में शामिल किया जाता है जो सर्वेक्षण वर्ष की अधिकांश समयावधि, ब्रैकेट में लिखिए 182 दिन, यानी 182 दिन से ज्यादा, ये ज्यादा का साइन है ना, हाँ चलिए, यानी ब्रैकेट में लिख लिए, जो सर्वेक्षण वर्ष की अधिकांश समयावधि में काम करने हेतु उपलब्ध थे। हो गया क्लियर, यही बात तो बोल भी रहे थे हम। ठीक है, उन व्यक्तियों को, और लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है, यानी यूजुअल स्टेटस पे उनको बेरोजगार माना जाएगा, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे, आप जो लिखा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अगला पॉइंट, उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो अपने काम करने हेतु, उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो अपने काम करने हेतु उपलब्ध समय अवधि, जो वो टाइम फ्रेम था ना 1 साल वाला, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये, उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो अपने काम करने हेतु उपलब्ध समय अवधि के अधिकांश भाग में, काम नहीं कर पाते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास एनएसओ और लेबर ब्यूरो, आप लोग आराम से समझिए, एनएसओ यानी
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और लेबर ब्यूरो के स्टाफ आए आपके घर पे, आपसे पूछा गया कि भैया या बहन जी पिछले साल सर्वेक्षण अवधि में आप एक साल में कितने दिन अपने यहाँ कार्य के लिए उपलब्ध थे, काम करने के लिए उपलब्ध थे, तो आप बता रहे हो कि सर हम 6 महीने या भैया हम 6 महीने से ज़्यादा समय तक उपलब्ध थे काम के लिए, ठीक है, काम मिला या नहीं मिला आप वो छोड़ दो, ठीक है, काम के लिए हम उपलब्ध थे, तो आपको श्रम बल का हिस्सा मान लिया जाएगा। कौन सा श्रम बल? तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, समझ में आया। फिर यदि आपने कहा कि नहीं सर हम पिछले साल 6 महीना तक के लिए उपलब्ध नहीं थे, हम 4-5 महीना के लिए ही उपलब्ध थे, तो आपको यहाँ पे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंतर्गत श्रम बल का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक साल में उसे कभी रोजगार ना मिला हो लेकिन किसी तरीके से उसे 30 दिन का रोजगार मिल गया, ठीक है, तो सब्सिडरी स्टेटस पे उसे भी काउंट कर लिया जाएगा कि वो श्रम बल का हिस्सा है, यानी वो रोजगार में है, समझ गए जी। काम यानी लेबर फोर्स का ही तो हिस्सा है, काम तो उसे मिल ही जाएगा, श्रम बल का हिस्सा है। यहाँ पहले ये देखा जा रहा है, आपका नाम ही है इसका जो सर्वे होता है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यानी श्रम बल का सर्वे हो रहा है कि लेबर फोर्स आपके यहाँ कितना है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये डाटा कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, और इसमें अगला पॉइंट लिखिए, दो पॉइंट लिखे ना, थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए तो क्लियर होगा। वह व्यक्ति जो प्रधान स्थिति के अनुसार, प्रधान स्थिति मतलब प्रिंसिपल स्टेटस, वह व्यक्ति जो प्रधान स्थिति के अनुसार बेरोजगार या श्रम बल के बाहर है, वह व्यक्ति जो प्रधान स्थिति के अनुसार बेरोजगार या श्रम बल के बाहर हो, परंतु उन्होंने कम से कम 30 दिन काम किया हो, सर्वेक्षण वर्ष ब्रैकेट में कर लीजिएगा, परंतु उन्होंने कम से कम 30 दिन काम किया हो, ब्रैकेट में सर्वेक्षण वर्ष काम किया हो के बाद, वह व्यक्ति जो प्रधान स्थिति के अनुसार बेरोजगार या श्रम बल के बाहर हो, परंतु उन्होंने कम से कम 30 दिन काम किया हो, ब्रैकेट में सर्वेक्षण वर्ष में, ब्रैकेट बंद कौमा, उन्हें उन्हें सहायक स्थिति पर सहायक स्थिति के बाद ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है। ये आपको इसलिए लिखा देते हैं इंग्लिश कि कोई भी मैगजीन आप पढ़ोगे ना या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है। एक दो टर्म और है, कितना सिंपल तो है, आप लोग अब समझ रहे हैं ना, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, नहीं पूरी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। उन्हें सहायक स्थिति पर रोजगार माना जाता है, ये दो क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हाँ उसको इसमें रोजगार मान सकते हैं सब्सिडरी स्टेटस में, और ये जो है ये दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक ब्रैकेट में लिख लीजिए जीर्ण, जीर्ण होता है ना यानी पुराना, जीर्ण या चीरकालिक, दीर्घकालिक
जीर्ण, चिरकालिक, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉनिक, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब लिख लीजिए। ये जो यूजुअल स्टेटस है ना, यानी ये दीर्घकालिक स्तर पे बेरोजगारी को क्या करता है, व्यक्त करता है। और यदि इस लेवल पे भी, अब आप अंदाज कर रहे हो, यदि कोई बंदा साल में 30 दिन भी काम किया, ठीक है, तो उसे सब्सिडरी स्टेटस पे रोजगार में मान लिया गया। और उसके बाद भी यदि उसे रोजगार न मिला हो, यानी उस टाइम फ्रेम में भी वो काउंटिंग में ना आया हो, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि बेरोजगारी की बहुत भयावह स्थिति है, यानी बहुत गंभीर बेरोजगार है। सॉरी, तो भी क्या है, मतलब एक साल में से 30 दिन का भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगारी की बहुत भयावह दशा है। और ये जो होता है, ये बेरोजगारी की दीर्घकालिक, जीर्ण या चिरकालिक बेरोजगारी बताता है, यानी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप लोगों को वो दो तीन टर्म दिए थे ना याद करने, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, WPR, UR, याद किए हैं? बताओ भैया, LFPR बताओ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, समझ गए जी, बताइए। आप लोगों ने लिखा है श्रम बल भागीदारी का, मैंने लिखवाया था, लिख लीजिए फिर से, ये सब काम देगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस में लिख लें, कहीं लिखिए श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसे जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों, मतलब वो स्वैच्छिक है, इसे जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों, इसे जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में, यानी परसेंटेज के रूप में व्यक्त परिभाषित किया जाता है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में, इसमें कार्यरत या काम की तलाश में, या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। ये सब जो है ना, ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रख लिया कीजिए, श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, एक हो गया ये, यानी यूजुअल स्टेटस क्लियर हो गया ना, यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। एक साल में यदि 6 महीने से ज्यादा समय तक किसी को काम मिला, तो वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस का पार्ट होगा या भाग माना जाएगा। और कोई बंदा को यदि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंतर्गत भी काम ना मिला, फिर भी उसे 30 दिन का भी काम मिल गया, तो वो सब्सिडरी स्टेटस में रोजगार माना जाएगा। या अब तो याद हो जाना चाहिए, हो गया ना याद? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। करेंट वीकली स्टेटस, यानी वर्तमान
कहीं कहीं आप हिंदी का मैगजीन या बुक देखेंगे तो उसमें आपको वर्तमान मिलेगा या चालू मिलेगा, ठीक है? तो वर्तमान, साप्ताहिक, स्थिति। ये नाम से ही स्पष्ट है ना कि इसका जो सर्वेक्षण अवधि होगा वो क्या होगा, सप्ताह के आधार पर तय होगा ना, ठीक है? इसमें है, पहले लिख लीजिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, करेंट वीकली स्टेटस, नाम सुना होगा ना आप लोग इसका, CWS बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CWS। जब आप लोग PIB, सब जब उस दिन बताए थे ना आपको कि PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का साइट है, ठीक है? जितने सारे रिपोर्ट होते हैं और जितने सारे न्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब आपको वहाँ अपलोड मिलेंगे, ठीक है? और मैंने बताया था कि जितने सारे इंडिया में कोचिंग संस्थान हैं वो वहीं से लेकर के यानी आपको उपलब्ध कराते हैं, आपको मतलब ऑल ओवर स्टूडेंट को, ठीक है? उसी से वो भोकाल टाइट करते हैं मार्केट में, ठीक है? तो ये सब जब आप PIB पे देखोगे ना तो आपको CWS मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे आप देखे थे यूजुअल स्टेटस ना और यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो उसे UPS बोलते हैं, ठीक है? यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस को आपको वहाँ पे मिलेगा। UP+SS, ये जहां आप लिखे थे ना सामान्य प्रधान स्थिति और सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति, उसके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है? तो PIB पे जब आप देखेंगे ना तो ये सब आपको मिलेगा, तो फिर आपको पता चलेगा, आप रिकॉल कर पाएंगे, अच्छा ये सब चीज तो पढ़ा हुआ है, ठीक है? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस आप देखेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत ये चीजें हिट करनी चाहिए कि अच्छा ये एक साल में अधिकांश समय अवधि तक जो बंदा रोजगार में है उसकी बात कर रहा है UPS, और UP+SS यानी यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस बात कर रहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति को एक साल में कम से कम 30 दिन का भी रोजगार मिल गया तो सहायक स्थिति पर उसे रोजगार युक्त माना जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो ये सब आप लोग यहाँ से घर भी जाइएगा तो रास्ते में भी इसी चीज को रिकॉल करते रहिए ताकि याद हो जाए, कंठाग्र हो जाना चाहिए। ये करेंट वीकली स्टेटस है कि वहीं जब वो NSO और लेबर ब्यूरो वाले लोग आते हैं, ठीक है, तो वो ये पता लगाते हैं कि एक सप्ताह में किसी भी आदमी को, एक सप्ताह में किसी भी आदमी को एक दिन में यदि 1 घंटे का भी काम न मिला हो तो उसे बेरोजगार माना जाएगा, और 1 घंटे का भी यदि काम मिल गया तो उसे क्या मान लिया जाएगा, रोजगार मान लिया जाएगा। किस आधार पे? तो CWS के आधार पे, करेंट वीकली स्टेटस। ये अपना ये सर्वे करते हैं, ठीक है? हाँ ये सब, हाँ बिल्कुल, करेंट वीकली स्टेटस वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो डाटा कलेक्ट करता है, क्या कहते हैं, NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत है? NSO UN के अंतर्गत है, UNDP नहीं, NSO नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये तो हम उस दिन आप नहीं थे क्या? थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सब तो याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है? NSO हुआ ना, ये भी मैंने बताया था कि NSO से पहले CSO और NSSO था, जिसको कि 2019 में मर्ज कर दिया गया CSO और NSSO को और बना दिया गया NSO, और ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है? सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय। अच्छा, एक तो एनएसओ हो गया और एक हो गया लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय। ये सब बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। श्रम, इसको हिंदी में भी लिखते हैं श्रम ब्यूरो। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये यानी जो डाटा, ये सब पता रहेगा तब ना आप डाटा आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जितना चल रहा है यूपीएस, यूपीएसएस, सीडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएस के बाद भी एक स्थिति है, वो भी देखेंगे। सीडीएस, करेंट डेली स्टेटस, वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप समझ गए, करेंट वीकली स्टेटस क्या? हाँ, लिखा देंगे, पहले आप समझ लीजिए, लिखा तो देंगे, सब कुछ लिखाएंगे, आप लोग ना भी कहेंगे तो भी लिखाएंगे, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, वो चीज़ें मुझे, वो फर्स्ट चैप्टर जो चला था ना, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि नहीं, लिखवाना मस्ट है, यानी अनिवार्य है, तो फिर सब कुछ लिखवाया जाएगा आप लोगों को। और क्वेश्चन आंसर भी, जैसे ये बेरोजगारी चल रहा है ना, तो इससे 5-7 क्वेश्चन हम आपको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, एकदम शॉर्ट और मीडियम ही अभी चलेगा, अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, वो पूरा बोर्ड वाला उस दिन लिखे थे तो बहुत लोग हंसने लगे थे, मेंस के लिए ही देंगे जी। हाँ बिल्कुल, पहले आज हम लोग ये देख लें, बेरोजगारी का मापन देख लें, फिर कल क्वेश्चन लिखाएंगे। ठीक है, तो करेंट वीकली स्टेटस समझ गए ना, कि यदि आपके पास एनएसओ और लेबर ब्यूरो के स्टाफ आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भैया सप्ताह में, पिछले सप्ताह में आपको एक दिन में 1 घंटे का भी कोई काम मिला था, कोई काम किए थे, तो आप कह दोगे हाँ, तो आपको सीडब्ल्यूएस के अंतर्गत रोजगार युक्त मान लिया जाएगा, अदरवाइज कहेगा नहीं ये रोजगार। और जैसे आप लोगों का तो वो तय ही नहीं होगा, क्योंकि अभी आप और हम, मैंने बताया था कि आप लोग लेबर फोर्स के पार्टी नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी बेरोजगार नहीं है, आप लोग नहीं मानते ना कि आप लोग बेरोजगार हैं, आप लोग नहीं थे फर्स्ट डे, मैंने बताया था कि यहाँ पे जितने लोग हैं आप लोग कोई बेरोजगार नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई बीटेक और एमटेक करके भी आया है बंदा दिल्ली मुंबई आईआईटी, दिल्ली आईआईटी मुंबई से, और वो भी यूपीएससी पीसीएस का तैयारी करने लग गया, तो उसे भी बेरोजगार नहीं माना जाएगा, उसे मान लिया जाएगा कि ये तैयारी कर रहा है, अभी ये पढ़ रहा है। ठीक है, उसे बेरोजगार तब माना जाएगा कि जब वो काम करने के लिए योग्य है, पोटेंशियल है ही, ठीक है, और इच्छुक है, रमना रोड में घूम रहा है सीवी लेके, रिज्यूम लेके, तब उसे काम ना मिले तो माना जाएगा कि ये बंदा बेरोजगार है। समझ रहे, तो आप लोग अपने आप को कभी ये मत समझिएगा कि हम बेरोजगार हैं, ये सब नहीं। ठीक है, सभी लोग, वो सब पे अप्लाई होता है। आपका क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल। अब जैसे देखो, इस पे डिबेट हो रहा है इंडिया में बड़े पैमाने पे, जैसे मान लो मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, वो घर में जो डोमेस्टिक वर्क है, वो डोमेस्टिक वर्क करती है ना, अच्छे तरीके से करती है, धुआंधार तरीके से करती है, उसी कार वर्क को करने के लिए हम यदि किसी अलग से किसी कुक को मान लो हायर कर लिए, किसी लड़के को रख लिए, किसी को रख लिए, ठीक है, फिर उसे हम सैलरी देते हैं,
ठीक है, उसका सब कुछ हम देते हैं बजावते, लेकिन हम अपने मदर को उसमें काउंट भी नहीं करते, ठीक है, वो जो डोमेस्टिक वर्क कर रही है प्रॉपर, मेरी सिस्टर कर रही है, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ये पॉइंट, तो ये जो बात आप कह रहे हो कि मान लो मेरे घर में कोई रिलेटिव है वो काम कर रहे हैं, एक सप्ताह में वो सातों दिन काम कर रहे हैं, इवन रात में भी काम कर रहे हैं, तो उनको हम ये काउंट करेंगे कि नहीं, ठीक है, तो उनको यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। क्या कोई भी आदमी यानी बियॉन्ड द जेंडर नहीं, यानी आप एक सब एक घंटे का काम किए कहीं किसी दुकान पे ही जाके, कुछ ना कुछ आपको मेहनताना मिल गया, मजदूरी मिल गया 100 रुपया का ही, 150 रुपया का ही, तो आपको मान लिया जाएगा कि ये लेबर फोर्स का पार्ट है, श्रम बल का हिस्सा है, ठीक है। जैसे हम मान लो कहीं मजदूरी ही किए, ठीक है, हमको काम मिल गया ना एक घंटे का ही, एक घंटे का हम दुकान में ही जाके कोई काम कर लिए, तो हमको मान लिया जाएगा कि ये लेबर फोर्स का हम पार्ट है। किस आधार पे, तो करेंट वीकली स्टेटस के आधार पे, इसे ध्यान रखना है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि वो किस आधार पे रोजगार माना जाएगा, CWS के आधार पे या UPSS के आधार पे, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये वीकली स्टेटस की बात कर रहा है, और एक सप्ताह में मिनिमम एक दिन में भी एक घंटा कम से कम माना जाएगा, यदि एक घंटा से कम काम किया तो उसका माना जाएगा कि कोई काम ही नहीं किया उसने, काम ही नहीं मिला। माना जाएगा उसे, मान लिया जाएगा, हाँ बिल्कुल। पंद्रह से ऊपर नहीं तो 12 साल आपका, नहीं वर्किंग एज आपका क्या है, 15 से 59 है ना, 15 to 59, उस एज ग्रुप में यदि कुछ काम कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको फिर काउंट किया जाएगा, श्रम बल का हिस्सा माना जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हैं और MNC में काम कर रहे हैं तब भी UPSC निकाल रहे हैं, आप ऐसे समझो कि कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है कि किसी कोचिंग संस्थान में जुड़ा हुआ है वो, ठीक है, किसी कोचिंग संस्थान में जुड़ा हुआ है, तो कोचिंग संस्थान जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई, ठीक है, रजिस्टर्ड है ना गवर्नमेंट के, यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो लड़का घर पे आके पढ़ भी रहा है, ठीक है, UPSC BPSC का PT भी दे रहा है, ठीक है, और वो लड़का को सैलरी भी मिलता है, अकाउंट में आता है, उसका PF सब कटता है, ठीक है, तो उसे माना जाएगा ना कि ये जॉब में है, ठीक है। फिर आप अपना आप पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो उससे क्या ही मतलब है, आप काम कर रहे हो ना, तो लेबर फोर्स के आप पार्ट हो। करेंट वीकली स्टेटस लिख लीजिए, ठीक है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, फर्स्ट पॉइंट यहाँ समझ में आया, ये करेंट वीकली स्टेटस आ गया ना, हाँ। यहाँ सर्वेक्षण अवधि साप्ताहिक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है, रोजगार मतलब इम्प्लॉयड यानी वो जॉब में है, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति रोजगार में है, ठीक है, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है, कॉमा, जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह, यानी ये जो सर्वे वीक है, ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि भैया पिछले सप्ताह में आप एक दिन में एक घंटा भी काम किए थे, आपने कह दिया कि जी सर एक घंटा काम तो किए थे, इवन 2 घंटा ही काम कर लिए थे, तो आपको माना जाएगा कि यस ये रोजगार में है, ठीक है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह में कम से कम एक दिन में, कम से कम एक दिन में एक घंटे या अधिक का काम मिला हो, तो उसे रोजगार
माना जाएगा। CWS, CWS मतलब करेंट वीकली स्टेटस, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। जितना आसान हम आपको बता रहे हैं, अब मुझे लगता है इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, कौन सा रिपोर्ट? बिल्कुल, ये डाट, इसके आंकड़े बहुत सारे त्रुटिपूर्ण होते हैं ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये भी होगा। ठीक है कि उस सप्ताह उसे काम नहीं मिला, तो ये वीकली ही तो है ना, उसे फाइंड आउट कर लिया जाएगा कि ये रोजगार में नहीं है। ठीक है जी, नहीं मिलता है। क्या कहते हैं, जैसे मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया था कि वो मदर और सिस्टर जो घर में डोमेस्टिक वर्क करते हैं, अकाउंट नहीं होता है ना, इसी पे बात हो रही है, ये एथिक्स का इशूज है। ठीक है, उसी काम को करने के लिए, जैसे आप बाहर में देखोगे देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यदि कोई वाइफ हस्बैंड है और वो दोनों इम्प्लॉय हैं, ठीक है, जॉब में हैं, तो अब उनके बच्चे को टाइम देने के लिए कोई नहीं है, तो एक अलग से किसी मदर को हायर किया जाता है। ठीक है, कि जो वो बच्चे का केयर करेगी, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम सैलरी देते हैं, उसको हम प्रॉपर रुपया देते हैं, लेकिन वहीं यदि वो काम मेरी मदर कर रही होती है, तो हम उसको काउंट, उनको काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा इशूज है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे, तो जब आपका ये इंडियन सोसाइटी का एक मेजर पार्ट है जिस पर अभी डिबेट हो रहा है बड़े पैमाने पर। ठीक है, और आप देखो ना, हाँ साउथ इंडिया में तो वो देने भी लगा है, आई थिंक तमिलनाडु में ये बात चली है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको सैलरी देने की बात हुई है। ठीक है, और साउथ इंडिया में जब इलेक्शन आता है, तो उस टाइम में ये इशूज बहुत उभर करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिए, ये मानदंड, मानदंड मतलब क्राइटेरिया, मानक, ये मानदंड और भी सरल है, मानदंड और भी सरल है, यानी आसान है। जैसे यदि किसी को सप्ताह में 1 घंटे का भी काम मिल जाए, जैसे यदि सप्ताह में किसी को 1 घंटे का भी काम मिल जाए, तो उसे रोजगार मान लिया जाएगा। ये सरल ही है ना, यानी इजी ही है। ये मानदंड और भी सरल है, जैसे यदि किसी को सप्ताह में 1 घंटे का भी काम मिल जाए, तो उसे रोजगार मान लिया जाएगा। CWS ना, करेंट सारे छे हो गया, अब जस्ट ओवर ही कर रहे हैं, गाड़ी आ रहा आपका, चलिए ओवर ही कर, ट्रेन पकड़ना है, अब चले जाओ यार, तब फिर इसको जस्ट 2 पॉइंट इसमें लिखवाएंगे। ये भी दीर्घकालिक होता है। ठीक है, यानी ये भी दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से आदमी बेरोजगार है, तभी तो वो 1 घंटे बेरोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहा है ना। ये भी दीर्घकालिक होगा, दीर्घकालिक जीर्ण स्लैश करके चिरकालिक लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी ये भी दीर्घकालिक बेरोजगारी का हिस्सा है, लेकिन आप ये बताओ ये व्यावहारिक है क्या? ये व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, व्यावहारिक तौर पर इसका यूज नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यूपीएस का। ठीक है, यूपीएस बोले तो यूजुअल
प्रिंसिपल स्टेटस, सामान्य प्रधान स्थिति, ठीक है। और यूज किया जाएगा, ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है। और एक पॉइंट है, एक डाटा है, ठीक है, तो चलिए कल करवा देते हैं, आप लोग भी परेशान हो गए हैं, सॉरी सीरियस करवा दें, समझा दें। पहले एक डाटा है ये लिख लीजिए आप लोग, ट्रेन पकड़नी है, सब तो अपनी अपनी समस्या में है। यानी पीएलएफएस के आधार पे बेरोजगारी दर जो है अभी नहीं, एक डाटा है ये देख लीजिए, श्रम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी श्रम बल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी सावधिक, सावधिक बोलते हैं, सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इस आधार पे, यानी पीएलएफएस को आप लोग ये हिंदी में लिख लेना, ठीक है, या इसका वो फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, सावधिक, सौ में आ की मात्रा है भैया, ये पीरियोडिक लेबर सर्वे, इसके आधार पे बेरोजगारी दर। आप लोग क्लास पूरा कर लोगे ना, क्लास आप लोगों का मिस नहीं होगा, तो बिलीव मी आप लोगों का करंट का भी जो भी डाटा है, जिस किसी भी टॉपिक को हम टैकल करेंगे, आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो रिसेंट डाटा होगा उस दिन तक का हम आपको उपलब्ध करा दें, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं इसमें कि एक दो दिन आते हैं, मुझे पता है कि दो तीन लोग हैं जो कंटिन्यू आना चाह रहे हैं, ठीक है, दो तीन दिन आते हैं फिर अनफॉर्चुनेटली वो, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें हम डाटा देखेंगे यूपीएसएस के आधार पे, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति के आधार पर, और करेंट वीकली स्टेटस के आधार पे कि ग्रामीण एरिया क्षेत्र में कितने लोग हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, और कहाँ जाना है आपको, अरे नहीं चलिए, ये 2021-22 का है, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लेना, सामान्य प्रधान, सामान्य प्रधान स्थिति और सहायक स्थिति, ये तो लिख ही लेना, ठीक है। ये हो गया ग्रामीण, ये हो गया शहरी यानी रूरल अर्बन, और एग्रीगेट मीन्स कुल। यहाँ हो जाएगा CWS यानी वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, यहाँ भी हो जाएगा ग्रामीण, शहरी और कुल, ठीक है।
क्या? इट्स यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, नहीं इसमें ये बताया यूपीएसएस और सीडब्ल्यूएस का ये डाटा दिया है 2021 बस पीएलएफएस ने बेरोजगारी दर के आधार पे कि रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग हैं बेरोजगार, शहरी में इतने हैं और टोटल इतना है। तो आपको ये जानना है मेनली करेंट वीकली स्टेटस में 6.6 है, ये 6.6%। CDS क्या होता है, नाम सुना है आप लोगों? करेंट डेली स्टेटस, वर्तमान दैनिक स्थिति, ये होता है। इसमें किसी व्यक्ति को रोजगार या बेरोजगार नहीं माना जाता, ठीक है? CDS में, करेंट डेली स्टेटस में, इसमें व्यक्ति दिवस माना जाता है, ठीक है? कितने व्यक्ति दिवस है जिनको रोजगार मिला और कितने व्यक्ति दिवस को बेरोजगार नहीं मिला। जैसे मान लो व्यक्ति दिवस ऐसे हो गया कि एक आदमी है आप, ठीक है, 7 दिन आप रोजगार करना चाहते हैं तो आप 7 व्यक्ति दिवस हो गए, ठीक है? यानी व्यक्ति दिवस से मतलब है मैनडेज या परसेंटेज, ठीक है? इसी को बोलते हैं CDS में करेंट डेली स्टेटस, ठीक है, वर्तमान दैनिक स्थिति में। इसमें किसी व्यक्ति को रोजगार या बेरोजगार नहीं माना जाता, पहला फंडा ये है, ठीक है? वैसे कभी पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन आगे प्री में, खास करके यूपीएससी पूछ भी, CDS पूछा है? हाँ ठीक है, हाँ अच्छा। तो CDS में सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये रोजगार और बेरोजगार को नहीं मापता है, यानी आपको एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड नहीं समझता है। इसमें सीधा ये परसेंटेज को ही, परसेंटेज बोलो या मैनडेज बोलो एक ही बात है, यानी व्यक्ति दिवस के आधार पे काउंट करता है। दिखवाएंगे इसमें हम कल आपको, आज इतना बता देते हैं। इसमें ये समझा जाता है कि एक व्यक्ति है यदि, ठीक है, वो 7 दिन काम करना चाहता है तो वो 7 व्यक्ति दिवस हो गया, ठीक है? 7 व्यक्ति दिवस को एक सप्ताह में यदि मान लो 5 दिन का रोजगार मिल गया तो 5 व्यक्ति दिवस रोजगार में हो गया और 2 व्यक्ति दिवस बेरोजगार हो गया, ठीक है? तो ये कल हम लोग देखेंगे डिटेल में जी। हाँ इसी आधार पे निकलेगा। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू। जो भी पढ़ाए हैं बताए हैं तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत